लड़की भी होनी चाहिए। हम लोग तो दो दो तीन तीन जगह गए, देखे भी, कई लड़की काली मिलती, कई मोटी मिलती, कई छोटी मिलती। हाँ, समझ नहीं आता, काली मोटी छोटी की बात, जो जैसा रहता है उसके उसी हिसाब से खोजा जाता है। तो इनको लगता था कि नहीं हम ऐसे हैं, अगर मेरी शादी ऐसे हो जाएगी, हमारा कहीं आना जाना, समाज में उठना बैठना, तो थोड़ा सा इंसान को शर्मिंदा महसूस होता है। तो वैसे फिर ये गुस्सा हो जाते थे, कहीं रूम बंद कर लेते थे, किसी का फोन आता था बात भी नहीं करते थे। जब हम लड़की देख कर आते थे फिर भी बोलते थे कि हम नहीं करेंगे शादी, जो करेगा वो साथ में रखेगा। फिर मेरी ननद का फोन आया, फिर उन्होंने बोला कि बताओ सबका उम्र होता जा रहा है, इनकी शादी नहीं हो रहा है। मेरी ननद की मन में पता नहीं क्या चला, करे अच्छा बताओ किस टाइप की लड़की चाहिए। तो उन्होंने बोला कि मेरी ननद कुछ अच्छा जैसे ही वंदना है वैसे, तो हाँ अगर ऐसे भी रहेंगे तो चलेगा। तो जैसे अब मैं सोच रही कि वंदना की बहन कीर्ति, पहले किट्टू नाम कीर्ति लोग नाम से जाने जाते थे, तो कीर्ति से करो। तो ये बोले कि हाँ अगर मम्मी पापा राजी हो जाएंगे तो लड़की में क्या कमी है, शादी तो आजकल भी होता है दो बहनों का एक ही घर में, लेकिन मम्मी पापा नहीं राजी होंगे शादी कैसे होगा। तो दीदी बोली इसका आप गारंटी मत दीजिए, इसका हम गारंटी ले रहे हैं, हम करा देंगे। जब लड़का खुश ही नहीं रहेगा किसी और से शादी कर दोगे तो ऐसी शादी करने से क्या फायदा। फिर जैसे तैसे करके मम्मी पापा से बात की है, फिर किसी तरीके से हमारी शादी हो गई। और उसके बाद लव मैरिज शादी नहीं है। तो ये बताइए कि ऐसा माना जाता है कि मेरी मतलब हमारी किट्टू की शादी के बाद फिर सारी लोगों की लाइफ चेंज हुई है, तो उसका फिर आप सोशल मीडिया पे कैसे आई, फिर कैसी सारी चीजें चेंज हुई हैं, क्या क्या चीजें हुई, फिर उस पर प्रकाश डालिए। सोशल मीडिया की रही बात, तो जैसे अभी लाइक ऐप एक ऐप था, मैं वहाँ पर जैसे कि ये मेरे देवर मतलब अमित ये मतलब कि ये वीडियो आकर ना ड्यूटी से वीडियो देखती थी, मैंने बोला क्या देख रहे हो ये सब क्या है, मुझे इसके बारे में बिल्कुल जानकारी नहीं था। तो ये बोले कि यहाँ पर ऐसे लोग वीडियो बनाते हैं, एक ऐप है बहुत अच्छा लगता है, तो ये ट्राई करते थे इनसे जबरदस्ती कर।